जय माता दी फ्रेंड्स, हेयर वी गो विद द थर्ड सेक्शन ऑफ अवर पोएम द वेस्ट लैंड। उसका जो थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज़ द लॉन्गेस्ट से इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 139 लाइन्स एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वाई इट्स नेम इज़ द फायर सरमन। है क्या ये फायर सरमन? तो जो फायर सरमन है ये जो है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो भगवान बुद्ध है उसने जो धर्म अग्नि धर्मोपदेश, इसका मतलब है अग्नि धर्मोपदेश दिया था, वेयर इन ही सैड दैट द वर्ल्ड वॉज ऑन फायर। उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड है वो फायर पे है, मतलब उनके जो अग्नि है किस चीज़ की, मतलब उनके अंदर नफरतें हैं, इन्फैचुएशन है, हेटर्ड है, और ओल्ड एज ग्रीफ डेस्पियर, इन सब को लेके जो उनके अंदर फायर है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने जो सरमन दिया था उसी को, उसी पे डिपेंड द फायर सरमन है, उसी पे डिपेंडेंट ये हमारा पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिवर्स स्टैंड इज ब्रोकन, द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीव क्लच एंड सिंक इन टू द वैप बैंक, द विंड क्रॉसेज द ब्राउन लैंड अनहियर द निप्स आर डिपार्टेड। सो इसमें जो रिवर टेंट है दैट मीन्स कि रिवर टेंट का मतलब होता है इट इज़ ए विजुअल इमेज, जस्ट इट प्रोवाइड्स शेल्टर इन द समर बाई द लीफी बाउज, मीन्स जो लीफी पार्ट होता है, जैसे एक ट्री है उसका जो लीफी पार्ट होता है, यहाँ पे अगर इसके नीचे जो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जो नदी है रिवर है वो है, तो ये जो मुड़ जाते हैं जो ट्रीज ऊपर से ये झुके हुए हैं तो ये एक टेंट जैसा लगता है। जो लीफी पार्ट है, जो ट्रीज की ब्रांचेज हैं वो इस तरीके से झुके हुए हैं जैसे कि ये टेंट हो ये रिवर के ऊपर, तो उसी रिवर टेंट की बात हो रही है। तो उनकी जो लास्ट फिंगर्स हैं ऑफ लीफ, मतलब कि वो अब सूख चुकी हैं, तो वो पहले अब जो सारी पत्तियां गिर चुकी हैं और वो वेट बैंक के अंदर, मतलब नदी के अंदर गिर चुकी हैं। तो यहाँ पे जो इलियट है वो एक सोर्स रेफर करते हैं, मतलब ये जो पैराग्राफ है हमारा वो लिया गया है प्रोथेलियम से। ओके, प्रोथेलियम से लिया गया है बाय स्पेंसर। ओके, स्पेंसर के द्वारा जो प्रोथेलियम लिखा हुआ है उससे ली गई हैं ये लाइन्स। उन्होंने जो थेम्स रिवर है उनके बारे में जो स्पेंसर ने लिखा था वो स्वीट लिखा था सब कुछ, लेकिन अब जो इलियट के टाइम पे ये जो थेम्स जो रिवर है वो कैसी हो गई है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉसेज द ब्राउन लैंड अनहर्ड द नेम्स आर डिपार्टेड, और अब जब वो सारी पत्तियाँ सूख चुकी हैं और द विंड क्रॉसेज द ब्राउन लैंड, जो ब्राउन लैंड है उसको विंड क्रॉस कर रही है, मतलब पॉल्यूटेड हो चुके हैं, अनहर्ड द नेम्स आर डिपार्ट, और जो अब अगर हमारी जो नदी है उसकी कंडीशन अगर सही नहीं है तो ऑफकोर्स नेम्स जो एंजल्स होते हैं, जो अप्सराएं होती हैं, वो भी डिपार्टेड करेंगी, वो वहाँ पे क्या करेंगी। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, और जो थेम्स है वो सॉफ्टली रन कर रही है जब तक मैं अपना सॉन्ग एंड किया है। तो ये जो लाइन है जो स्वीट थेम्स वाली, ये जो लाइन है ये स्पेंसर के टाइम की जो रिवर है उस टाइम के बारे में लिखा हुआ है कि उस टाइम पे स्वीट थी लेकिन अब इलियट के टाइम पे वो पॉल्यूटेड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बोटल्स सैंडविच पेपर्स सिल्क हैंड कचीप्स कार्डबोर्ड बोतल सिगरेट एंड्स। सो उस टाइम पे जो रिवर थी उस टाइम पे वो पॉल्यूटेड नहीं थी, उसमें कोई भी एम्प्टी बोटल्स नहीं थी, सैंडविच पेपर्स सिल्क हैंड कचीप्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस और सिगरेट एंड्स, मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं लास्ट के जो एंड्स हैं
सिगरेट्स के, ये सब उसमें नहीं थे। और अदर टेस्टिमोनी ऑफ समर नाइट द निम्स आर डिपार्टेड, और इस तरीके से जो जो समर नाइट्स थी वो भी इस तरीके की नहीं थी, और जो निम्स थी इसलिए वो डिपार्टेड हो चुकी हैं यहाँ से। एंड देयर फ्रेंड्स द लाइटरिंग हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स डिपार्टेड हैव लेफ्ट नो एड्रेसेस, और जो जो रेप्यूटेड पीपल्स थे जो यहाँ पे रहते थे वो भी अब डिपार्ट कर चुके हैं, हैव लेफ्ट नो एड्रेसेस हेयर। बाई द वॉटर ऑफ लेमन आई सेट डाउन एंड बैप स्वीट थेम्स रन स्वेफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फोर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग। यहाँ पे इलियट हैं जो एक और, जैसा कि इस पूरी पोएम में ही हमने देखा, हर एक पार्ट में देखा है, उन्होंने खूब सारे रेफरेंसेस लिए हैं जो इसकी लाइन्स हैं उनमें। तो ये जो ये वाला जो है बाय द वाटर ऑफ लेमन आई सैट डाउन एंड वेप्ट, ये जो लाइन है, ये जो रेफरेंस है, ये उन्होंने कहाँ से लिया है, ये लामेंटेशन टाइप की लाइन है, मतलब कुछ दुख व्यक्त कर रहे हैं इसमें। तो ये जो है, ये जब इज़राइलीज वहाँ से गए थे अपने बेबीलोनिया को छोड़कर, अपने बेबीलोनिया से बाहर एग्जाइल कर दिया गया था उनसे, देश को से निकाला, देश निकाला दे दिया था, तो उस टाइम का जो उन्होंने लामेंटेशन किया था उसको यहाँ पे दर्शा रहे हैं इस लाइन के थ्रू। और जो स्वीट थीम है वो जब तक मतलब रन कर रही है, सॉफ्टली रन कर रही है, स्वीट थीम जो है वो सॉफ्टली रन करेगी, फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, ना ही मैं ज़्यादा ज़ोर से और ना ही ज़्यादा लंबा बोलने वाला हूँ। बट एट माई बैक इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हेयर, लेकिन मैंने अपने पीछे से एक कोल्ड ब्लास्ट सुना था, कैसा, द रैटल ऑफ द बोन्स एंड चक्कल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि जो अब जो है ऐसी कोई भी वो रिवर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जैसा कि स्पेंसर के टाइम पे था। आज वो जो रिवर है, थेम्स रिवर है, वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, वहाँ से जो रेप्यूटेड पीपल थे वो जा चुके हैं, निम्स जा चुके हैं, उसकी जो जो स्वीटनेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसी पे ये लामेंटेशन टाइप में यहाँ पे बताया हुआ है पोएम में, और अब सिर्फ वहाँ पे बचा है तो सिर्फ रैटल्स ऑफ बोन्स, बोन्स की खड़खड़ाहट, मतलब डेड, और चकलिंग साउंड है, और स्प्रेड ईयर टू ईयर मीन्स पर्सन टू पर्सन, जो चकलिंग साउंड और रैटल ऑफ बोन्स जो फैल रही है वही है बस। अब ए रैट क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन, एक जो रैट है वो क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन में धीरे धीरे चलता है, ड्रैगिंग इट्स स्लिमी बैली ऑन द बैंक, मतलब बहुत स्लिमी उसका पेट जो है वो बहुत स्लिमी है और वो बैंक की तरफ ड्रैगिंग करता है। व्हाइल आई वाज फिशिंग इन द डल कैनाल, कब, जब मैं फिशिंग कर रहा था डल कैनाल में, ऑन ए विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स वीक एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम। ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं टेम्पेस्ट से, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो फिशिंग है वो डल कैनाल में हो चुकी है, मतलब अब जो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई है, इनफर्टिलिटी हो गई है, तब उसमें फिशिंग का मतलब हम की कुछ ऐसी सोच रख रहे हैं फर्टिलिटी की, तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है डल कैनाल में। ऑन ए विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, कहाँ पे, एक गैस हाउस के, मतलब गैस हाउस का मतलब यहाँ पे कुछ गैस का वर्क हो रहा है जिससे गैस प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ऐसा, कुछ फैक्ट्री वगैरह है। म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स ब्रीक, यहाँ पे जो ये लाइन्स हैं इनमें जो प्रॉस्पेरो है वो अब जो मैजिशियन है, जो मैजिक करके अपने ब्रदर के जो बोट है उसको ब्रीक करता है, तुड़वाता है, क्योंकि उसने 12 साल पहले उसने भी प्रॉस्पेरो के साथ धोखाधड़ी की थी, तो उसके लिए वो उसको पनिश करता है। और जो एंड ऑन द किंग्स माई फादर डेथ बिफोर हिम, और उसको भी मारने की कोशिश की थी इसलिए वो अपने ब्रदर की जो जो नाव है, जो बोट है, उसको, शिप है, उसको ब्रिक करने की कोशिश करता है अपने मैजिक के थ्रू, वो थंडर बुलाता है। तो उसके बारे में टेम्पेस्ट वाली स्टोरी की ये टू लाइंस वहाँ से ली गई हैं।
वाइट बॉडीज नेक्ड ऑन द लो डैम्प्ड ग्राउंड. और वाइट बॉडीज मीन्स जो जो मैजिक के थ्रू जो प्रॉस्पेरो ने वहाँ पे जो डेथ की थी जो स्टॉर्म ब्ला के, शायद उस बॉडीज़ की बात हो रही है. तो वाइट बॉडीज जो हैं वो डैम्प ग्राउंड पे गिरी हुई हैं. एंड बोन्स कास्ट इन ए लिटिल लो ड्राई गैरेट. और जो बोन्स हैं वो एक गैरेट पे, लिटिल लो ड्राई मतलब नीचे सी एक गैरेट. गैरेट मीन्स अटारी जो होती है ना, द्वि छति जो रूम्स में होती हैं उसमें जो हैं वो बोन्स हैं. और उन बोन्स को रेटल बाई द रेड्स फूट ओनली ईयर टू ईयर. वो जो हैं उन बोन्स के ऊपर जो अटारी है उसके ऊपर सिर्फ रेड जाते हैं और उन्हीं की जो फूट की फूट ही पड़ते हैं वहाँ पे, मतलब रेड्स ही जाते हैं वहाँ पे ईयर टू ईयर. सो इन नेक्स्ट लाइन्स वी आर गोइंग टू सी दैट बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हेयर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स विच शैल ब्रिंग. लेकिन मैं अपने पीछे से एट माय बैक मैं ये आवाज़ सुनता हूँ. तो बट एट माय बैक ये जो वर्ड्स हैं ये लिए गए हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. ये जो राइटिंग है एंड्रयू मार्वल की, एंड्रयू मार्वल की जो राइटिंग है वहाँ से लिए गए हैं ये वर्ड्स. From time to time I hear, वो क्या सुनाई देता है उनको time to time, the sound of horns and motor which shall bring Sweeney to Mrs. Potter in the spring. वो ऐसे horns और motor की आवाज़ जो Sweeney to Mrs. Potter in the spring, कि Sweeney को Mrs. Potter के पास ले आते हैं spring season में. तो यहाँ पर ये जो line है ये भी ऐसे कहते हैं, यहाँ से जो reference लिया गया है वो है Parliament of Bees से. पार्लियामेंट ऑफ बीज रिटन बाय जॉन डे. जॉन डे की पार्लियामेंट ऑफ बीज रिटन बाय जॉन डे, ये जो लिखी हुई है पार्लियामेंट ऑफ बीज जो राइटिंग है जॉन डे की वहाँ से ली गई है ये लाइन्स. और इनमें ये है कि जो जॉन डे की जो राइटिंग थी उसके अंदर क्या था कि एक एक्टियन और एक डायना की स्टोरी है, कि वो एक्टियन है वो डायना के पास जाता है जब वो बात कर रही होती है और फिर इस वजह से वो उसको पनिश करती है और उसको एक स्टैग में कन्वर्ट कर देती है. स्टैग का मतलब होता है ना हिरन, उसमें कन्वर्ट कर देती है. तो ये जो स्टोरी है जो पार्लियामेंट ऑफ बीज बाय जॉन डे वहाँ से कुछ रेफरेंस लिया गया है कि उसमें जैसे कि एक्टियन आता है डायना के पास, सेम स्वीनी इसमें एक पर्सन है जो मिसेस पॉटर के पास आता है स्प्रिंग में. ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पॉटर एंड ऑन हर डॉटर दे वॉश दे फीड इन सोडा वाटर. सो जो मून है वो बहुत शाइन कर रहा है किस पे, मिसेस पॉटर पे और मिसेस पॉटर की डॉटर पे. तो ये जो है ये लाइंस जो हैं ये एक बैलड से ली गई हैं. और जो बैलड है वो इस ऑस्ट्रेलियन ट्रूप जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहाँ से ली गई हैं. और जो इसके आगे जो ये लिखा हुआ है ये फ्रेंच लैंग्वेज में है ये लाइन. और उसके बाद में थ्री टाइम ट्वीट 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 की साउंड आती है. देन जग 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 दैट इज सो रूडली फोर्स मीन्स दैट इज द सेम जग जग दैट इज इन अवर सेकेंड सेक्शन ए गेम ऑफ चेस, कि जिसमें जग जग की आवाज़ आती है मीन्स विदाउट मीनिंग दैट हैव नो मीनिंग मीन्स वो जो टायरसिस की जो रूडली फोर्स किया था उसने उसका रेप किया था अपनी जो वाइफ है उसकी सिस्टर का, तो फिलोमिला का. तो उसके जो वो उस सेक्शन में जो साउंड है जग जग की वो यहाँ पे बताई गई है कि वो सेम साउंड यहाँ पे है. और अब हम आगे देख रहे हैं टायरियो मीन्स टायरसिस के बारे में ही लिखा हुआ है कि जब उन्होंने उसको फोर्सफुली रेप किया था तब, और ये साउंड है जो विदाउट मीनिंग. अनरियल सिटी दैट मीन्स लंदन, सेम लाइक लास्ट सेक्शन अनरियल सिटी मीन्स लंदन की बात हो रही है. यहाँ पे जो एलियट हैं वो अनरियल सिटी लंदन को कह रहे हैं. अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नोन, ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नोन मीन्स सेम पॉल्यूटेड विंटर नोन है. वन आइड ओ मिस्टर
यूजिनस द सैमरना मर्चेंट। तो यहाँ पे सैमरना मर्चेंट कौन है? द सेम वन आइड मर्चेंट दैट वॉज इन मैडम सोसोस्ट्रिस के जो कार्ड में था, वन आइड मर्चेंट, उसी की बात हो रही है। उसका नाम यहाँ पे यूजिनेडस बताया गया है और ये सिमरना मर्चेंट बताया गया है यहाँ पे। तो ये जो मर्चेंट यहाँ पे बताया गया है, ये वही सेम वन आइड मर्चेंट है जो मैडम सोसो स्ट्रीट के जो टैरोट कार्ड में जो था, वन आइड मर्चेंट, उसी की बात हो रही है। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है यहाँ पे? इट सिम्बलाइज वल्गनाइजेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स, कि अब जो मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स जो हो रहा है, कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं उनमें जो वल्गरनाइजेशन हो रहा है आजकल, उसका सिंबल है यहाँ पे। इसको, ये मर्चेंट है, इसको बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके साथ साथ में वल्गर फॉर्म ऑफ सेक्स का भी डिस्कस होगा। अनशेवन विद ए पॉकेट फुल ऑफ करेंट्स, और ये जो सैमरना मर्चेंट है ये अनशेवन बताया गया है, कि मतलब शेव नहीं किया हुआ है इन्होंने। और इनकी जो पॉकेट है, पॉकेट फुल ऑफ करेंट्स, करेंट मतलब ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट से इनकी पॉकेट है वो जो भरी हुई है। CIF लंदन डॉक्यूमेंट्स एट साइट, ये जो ये CIF लंदन है, दैट्स गुड्स यूज्ड फॉर गुड्स डिलीवर्ड बाय सी, कि जो सी में जो गुड्स जो होते हैं, सामान डिलीवर होते हैं, उसके लिए यूज हुआ है। डॉक्यूमेंट्स एट साइट, और ऑफ कोर्स वो मर्चेंट है तो डॉक्यूमेंट का भी ध्यान रखता है। आस्क्ड मी इन डेमोटिक फ्रेंच, उसने मुझसे पूछा, डेमोटिक फ्रेंच मतलब जो आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें उसने मुझसे पूछा, कोलेक्वियल भाषा में पूछा, टू लंच ऑन एट द कैनॉन स्ट्रीट होटल, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे कैनॉन स्ट्रीट होटल में। तो उसको ऑफर करता है कैनॉन स्ट्रीट होटल के लिए, फॉलोड बाय ए वीकेंड एट मेट्रोपोल, और उसके साथ साथ मेरे साथ एक वीकेंड स्पेंड करोगे मेट्रोपोल में। और ये दोनों जो प्लेसेस हैं, ये वर्स्ट प्लेसेस हैं, या फिर आप कह सकते हो वल्गर प्लेसेस हैं, यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के लिए ये फेमस हैं यहाँ ये दोनों प्लेसेस, ये जो कैनॉन स्ट्रीट होटल और मेट्रोपोल जो है, ये होमोसेक्सुअलिटी के लिए फेमस प्लेसेस हैं उस टाइम के। एट द वॉयलेट आर, वॉयलेट आर का मतलब है सनसेट टाइम, कि सनसेट के टाइम पे व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, कि मतलब जब आंखें और बैक मतलब आपका जो बैक होता है, पीठ होती है, वो टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, डेस्क से ऊपर की तरफ उठते हैं, मीन्स आप काम करके जब शाम का टाइम होता है, जब ऑफिस का काम ओवर होता है, तब आपके आईज और बैक होते हैं वो सीधे होते हैं, मतलब आप अपना डेस्क छोड़ के काम से फ्री होते हैं। व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक ए टैक्सी थ्रोबिंग बीटिंग, और इन जो आर्स का ह्यूमन इंजन है वो वेट कर रहा होता है फॉर रिलैक्स, जैसे कि उस टाइम तक वो हार्ड वर्क करते हैं लाइक टैक्सी थ्रोबिंग वेटिंग, की मतलब टैक्सी वेट कर रही होती है ना उस टाइम पे जो थ्रोबिंग करती है, उस तरीके से। अब जो है इसका, जो हमारे पोएम का एकदम से यहाँ से सीन चेंज होगा, यहाँ पे टायरेसिस है उसकी बात होगी। उससे पहले मैं टायरेसियस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपको, कि टायरेसिस लिविंग टू लाइव्स मीन्स मेल और फीमेल्स दोनों की जी चुका है। क्योंकि एक बार क्या होता है, हियर इज अ स्टोरी अबाउट टायरेसिस, दैट वन टाइम ही केम अक्रॉस टू स्नेक्स कॉपुलेटिंग इन द फॉरेस्ट, कॉपुलेटिंग का मतलब संभोग कर रहे थे वो फॉरेस्ट के अंदर, तो उसने उनको स्टिक से हिट कर दिया। और फिर जैसे ही उन्होंने हिट किया तो उनको श्राप मिला, कर्स मिला, और ही चेंज इंटू वूमेन, जो टाइटसिस थे उसको औरत बना दिया गया फॉर 7 ईयर्स, ओके, 7 साल के लिए इसको औरत बना दिया गया। लेटर वो बाद में 7 ईयर्स के बाद में वो क्या हुआ, अगेन ही सा द सेम स्नेक्स कॉपुलेटिंग इन द फॉरेस्ट एंड ही अगेन हिट देम, एंड एज ही थॉट ही अगेन टर्न इंटू
मैन मीन्स उसने सोचा था कि अब मैं वुमेन से मैन बन जाऊंगा, तो वैसे ही वो वापस से मैन भी बन जाता है। तो उसने जो दोनों लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, मेल एंड फीमेल, ओके। लेकिन फिर एक बार और फिर क्या होता है कि दोनों एक्सपीरियंसेस इनको हो चुके हैं, टायरेसिस को मेल और फीमेल दोनों के, कि वो पहले मेल तो थे ही, फिर उसको फीमेल में चेंज कर दिया गया था 7 ईयर्स के बाद, और 7 ईयर्स के बाद में अगेन वो मेल में चेंज हो गए थे। लेकिन इसी एक्सपीरियंस पे एक बार जोव और जुनो की लड़ाई होती है, जोव एंड जुनो। तो इसमें क्या होता है, इनको आप गॉड एंड गॉडेस मान सकते हो यहाँ पे, कि इन दोनों में लड़ाई होती है। तो इनमें ये होता है कि जो जोव एंड जुनो के बीच में इस टॉपिक पे लड़ाई होती है कि इन लव द वुमेन एंजॉय द ग्रेटर प्लेजर, कि मतलब इस बात पे इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना टायरेसिस से पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने मैन और वुमेन दोनों की लाइफ जी रखी है। तो जब टायरेसिस को बुलाया जाता है तो वो जो की को फेवर करते हैं, जो के लिए कहते हैं कि यस यू आर राइट, इन लव द वुमेन एंजॉय ग्रेटर प्लेजर। तो इस पे जूनो जो है वो हो जाती है, गुस्सा आ जाता है उसको, एंग्री हो जाती है, और उसको फिर से अगेन उसको ब्लाइंड कर देती है, उसको वापस से उसको ऐसी लाइफ मतलब दुखी लाइफ जीने पे मजबूर कर देती है, उसको ब्लाइंड कर देती है। लेकिन उसको जूनो ब्लाइंड तो कर देती है, लेकिन जो सोचता है कि इसने मतलब ट्रूली आंसर दिया है, या फिर इसकी नज़र में अच्छा काम किया है, मतलब इसको फेवर किया है, तो ये इसको 7 एजेस तक या फिर 7 लाइफ जीने के लिए मतलब 7 जन्मों तक जिंदा रहेगा, ऐसा इसको वो मिलता है, कि आप कह सकते हो कि ऐसा वरदान मिलता है। और इसके साथ साथ में 7 लाइफ जी सकता है, और इसके साथ साथ प्रोफेसी भी कर सकता है, कि मतलब भविष्यवाणी भी कर सकता है, तो मतलब भविष्य देख सकता है। तो ये दो जो ने इसको ये दो चीज़ें दी, दो ब्लाइंड थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइफ्स। तो अभी हमें पता है टायरेसिस जो है वो दो लाइफ्स के बीच में थ्रोबिंग कर रहा है, ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी एट द वॉयलेट आर्स। अब जो ये ओल्ड मैन है रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट के साथ में, जो फीमेल ब्रेस्ट है वो रिंकल्ड है, और वो देख सकता है कि जो वॉयलेट वॉयलेट आर्स का मतलब सनसेट टाइम को देख सकता है, द इवनिंग आर दैट स्ट्राइव होमवर्ड एंड ब्रिंग द सेलर होम फ्रॉम सी। वो देख सकता है कि जो इवनिंग आवर्स में कैसे लोग बाग मतलब घर पे जा रहे हैं, हर एक पर्सन जो है, और जो सेलर्स भी हैं वो भी सी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो देख सकता है। फिर यहाँ पे जो सीन है वो एक टाइपिस्ट गर्ल की तरफ जाता है, यहाँ पे एक आप कह सकते हो इस टीएस इलियट ने एक सेक्सुअली जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट की है यहाँ पे, जो मॉडर्न सोसाइटी की है, जिसमें कोई मतलब इसलिए कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होता है कि उनको रिप्रोडक्शन करना है, वो जस्ट एक मैकेनिकली कि मतलब एक मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, उस टाइप का जो यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, जो मॉडर्न लाइफ का जो रिलेशन है वो आजकल ऐसा हो गया है, तो वो चीज़ बताई हुई है यहाँ पे, जिसमें इमोशंस नहीं है, जस्ट लाइक मशीन्स वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर हर ब्रेकफास्ट लाइट्स हर स्टोव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स। यहाँ पे एक टाइपिस्ट गर्ल है, लेडी है, जो भी है यहाँ पे, वो क्या कर रही है, टी टाइम पे अपने घर पे आई है वही इवनिंग आवर्स में, और वो अपना ब्रेकफास्ट जो वो मॉर्निंग में करके गई थी उसको साफ़ करती है, मतलब जो बचा हुआ था जो काम था वो जो फिनिश करके नहीं गई थी। यहाँ पे एक वर्किंग लेडी की जो क्या कंडीशन होती है वो यहाँ पे शो हुई है, कि मतलब वो काम करने के बाद में आके वो जो पेंडिंग वर्क मॉर्निंग में छोड़ के गई थी, मतलब वो कंप्लीट नहीं करके गई थी। तो वो शाम को स्टोव जलाती है और फूड को टिन्स में मतलब रख देती है पकाने के लिए। आउट ऑफ द विंडो प्रियसली स्प्रेड हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज ऑन द दिवान्स आर पाइल्ड एट नाइट हर बैग स्टॉकिंग स्लीपर्स कैमिसोल्स एंड स्टेज आई टायरेसिस ओल्ड मैन विद रिंकल्ड डग्स
perceived the scene and foretold the rest. यहाँ पे जो बता जो डीएस इलियट हैं वो जो ये बता रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, जो मटेरियल लाइफ है, मतलब आप कह सकते हो लाइक मशीन्स लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, उसके बारे में बताया हुआ है कि जो विंडो है उस वहाँ से मतलब दिख रहा है कि उसके जो कपड़े थे वो कैसे फैले हुए थे, जो उसके ड्राइंग जो कॉम्बिनेशंस थे मतलब सूख रहे थे, जो कॉम्बिनेशन मीन्स अंडर गारमेंट्स वो जो सूख रहे थे वो सन के लास्ट रेज तक सूख रहे थे, मतलब शाम तक, मतलब वहीं पे पड़े थे। ऑन द दीवान्स आर पाइल, मतलब और दीवान जो बेड है उसके ऊपर भी कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जो रात को वो एज ए बेड यूज़ करेगी, अब उसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। स्टॉकिंग्स जो हैं जो वो पहनती हैं, स्लीपर्स हैं, कैमिसोल्स हैं, जो ऑस्टेज हैं, जो अंडरपिटिंग जो गारमेंट्स हैं वो हैं, जो भी वो उसके जो वियरिंग क्लोथ्स हैं वो सारे रखे हुए हैं वहाँ पे दीवान पे। आई टायरेसियस ओल्ड मैन विद ब्रिंकल्ड लग्स, और मैं जो टायरेसियस मेरी जो ब्रिंकल्ड जो चेस्ट है उसके साथ परसीव्ड द सीन, मुझे सीन का ये जो चल रहा है उसका आभास हो रहा है कि क्या होने वाला, फोर टोल्ड द रेस्ट, और आगे क्या होने वाला है वो भी मैं पता कर सकता हूँ। एज हमें पता है कि जो टायरेसिस है उसके पास प्रोफेसी करने की पावर है कि वो भविष्य देख सकता है। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, मतलब मुझे भी पता है कि एक्सपेक्टेड गेस्ट कौन है, कि मतलब वहाँ पे जो ये टाइपिस्ट लेडी जो है ये वेट कर रही है किसी, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट। ही द यंग मैन कार्बनक्यूलर अराइव्स, और वहाँ पे एक यंग मैन आता है, कार्बनक्यूलर का मतलब है कि जिसका फेस क्लियर नहीं है, मतलब उसके पिंपल्स टाइप कह सकते हो आप, मुहासे कह सकते हो, उसके मतलब चेहरे पे कुछ दाग धब्बे फुंसिया टाइप की हैं, वो आता है, मतलब ही इज़ नॉट सो स्मार्ट वी कैन सी से इट। एंड यहाँ पे जो अब जो टी एस इलियट बताना चाहते हैं, दैट इज सिम्बलाइजिंग दैट द मैकेनिकल सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द टाइपिस्ट गर्ल एंड दिस कार्बनक्यूलर क्लर्क। ओके, सो ए स्मॉल हाउस अजेंट क्लर्क विद वन बोल्ड स्टेयर, एक छोटा सा क्लर्क है ये, और लेकिन इसके जो स्टेयर हैं मतलब फेस जो है इसके जो स्टेयर्स हैं मतलब काफ़ी तीखे तरीके से देखता है ये, काफ़ी बोल्ड स्टेयर हैं। वन ऑफ द लो ऑन होम अश्योरेंस सीट्स, और मतलब इतना अश्योरेंस के साथ में बैठा है आके, मतलब इस तरीके से जैसे लग रहा है एज अ सिल्क हैट ऑन ए ब्रेडफोर्ड मिलेनियर, जो मतलब काफ़ी बड़ा जो मिलेनियर है उस टाइप की, मतलब उसके फेस पे जो निश्चिंतता होती है, अश्योरेंस होती है, उस टाइप की अश्योरेंस के साथ में आया है। द टाइम इज़ नाउ प्रोपिटियस एज ही गेसेस, और अब जो टाइम है वो अनुकूल है जैसा कि वो गैस कर सकता है। द मील इज एंडेड, जो खाना है वो खाया जा चुका है, खाना हो गया है। शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड, जो वहाँ पे जो टाइपिस्ट लेडी है वो यहाँ अब बोर और टायर्ड है, थकी हुई है। एंड वियर्स टू एंगेज हर इन केयर्स, और वहाँ पे फिर वो उसको दुलाना स्टार्ट करता है, जो क्लर्क है, जो कार्बन कूलर क्लर्क है वो। Which still are unreproved if undesired, ऐसे लग रहा है कि अब जो होने वाला है उसके लिए जो वो है जो लेडी है टाइपिस्ट लेडी है वो अनडिज़ायर्ड है, अनरिप्रूव्ड है, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हश्ड एंड डिसाइडेड ही असॉल्ट्स एट वंस, और वो मतलब काफ़ी हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तेजित होकर और वो उसके ऊपर असॉल्ट हो जाता है, टूट पड़ता है। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, और जो उसके हैंड्स हैं टाइपिस्ट गर्ल के वो कोई डिफेंस नहीं करते हैं, जो उसके जो हैंड्स हैं उनके उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स एंड मेक ए वेलकम ऑफ इनडिफरेंस,
और यहाँ पे मतलब साफ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले तो एक्सपेक्टेड गेस्ट है, मतलब सब कुछ मर्जी से हो रहा है, बाद में ऐसे लगता है कि यहाँ पे मतलब सब कुछ जैसे असॉल्ट्स वर्ड्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, वेलकम ऑफ इंडिफरेंस उनके बीच में। तो यहाँ पे जो बताया हुआ है वो टीएस एलियट ने, तो दैट इज़ द मैकेनिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टाइपिस्ट गर्ल एंड द कार्बन कलर क्लर्क। और ये जो टोटल इंडिफरेंस भी बताया हुआ है, टोटल इंडिफरेंस इज देयर एंड स्टेरिलिटी इन फिजिकल रिलेशनशिप, कि आजकल जो फिजिकल रिलेशनशिप हैं, जो मॉडर्न लाइफ की जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कितनी स्टेरिलिटी आ गई है, इनमें कोई रिप्रोडक्शन जैसा की फीलिंग नहीं है, जस्ट टू जैसे मशीन्स की टाइप में वो जो हैं वो रिलेशनशिप हो रहे हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ अ कम्प्लीट अब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, मतलब सच काइंड ऑफ एनिमल लाइक पॉपुलेशन, यहाँ पे मतलब कोई भी इंसानी फीलिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जैसे एनिमल्स में जो पॉपुलेशन होता है उस टाइप का बताया हुआ है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, एंड द टेरेसेस हैव फोर सफर्ड ऑल इनेक्ट ऑन द सेम दीवान और बैड आई हु हैव सेट बाय थीव्स बिलो द वॉल। और मैं ये सब पहले से सह चुका हूँ, मतलब मैंने ये सब कुछ पहले देखा है, सेम दीवान पे सेम बेड पे ऐसे सीन्स। तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ थीव्स रिवर के पास में, बिलो द वॉल एंड वॉक्ड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, और मैं वहाँ से जा रहा, वॉक्ड अमंग द लोएस्ट ऑफ डेड, बेस्टोज वन फाइनल पेस्ट्रोनाइजिंग किस। अब वापस से यहाँ पे जो है वो कार्बन कुलर्क क्लर्क और टाइपिस्ट गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि उसने जो क्लर्क था उसने उसको एक फाइनल पेस्ट्रोनाइजिंग किस दिया जाते वक्त, बाय किस एंड ग्रोप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर अनलिट, और फिर अपने रास्ते में चला गया और जो स्टेयर्स थी उनसे वापस चला गया, जो अनलिट थी मतलब वहाँ पे अंधेरा था, मतलब अंधेरे में वापस चला गया। तो यहाँ पे जो था वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हाइडिंग जैसा है, अनलिट है, आया चला गया, मतलब कि इट्स नॉट, आप कह सकते हो कि ये सब कुछ वो नहीं था, मतलब लीगल नहीं था, इलीगल था। सो इन नेक्स्ट लाइन्स वी आर गोइंग टू सी, सी टर्न्स एंड लुक्स ए मोमेंट इन द ग्लास हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट टू पास, वेल नाउ दैट्स डन एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर। अब वो एक मोमेंट के लिए ग्लास, मतलब यहाँ पे मिरर की बात हो रही है कि मिरर की तरफ मुड़ती है, और वो हार्डली अवेयर है, मतलब उसको कोई फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं लग भी नहीं रहा डिपार्टेड लवर के बारे में, मतलब फीलिंग लेस लव था उनका, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो वो हार्डली अवेयर है इस चीज़ से। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट टू पास, और उसके जो ब्रेन है वो जो वो थॉट आती है उसके माइंड में, वेल नाउ दैट्स डन, कि अच्छा हुआ हो गया, आई एम ग्लैड इट्स ओवर, कि मैं खुश हूँ कि ये हो गया, इट्स ओवर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन लाइंस में क्लियरली शोन दैट देयर इज मैकेनिकल रिलेशनशिप इन टुडेज लाइफ, और यू कैन से मॉडर्न लाइफ, देयर इज़ नो फीलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। ओके, वैन लवली वूमेन स्टूप्स टू फॉली, जब एक लवली वूमेन एक मूर्ख चीज़ करने जाती है, तो ये जो लाइन है वैन लवली वूमेन स्टूप्स टू फॉली, ये कहाँ से ली गई है, द विकर ऑफ वेकफील्ड से, द विकर ऑफ वेकफील्ड से ली गई है ये लाइन, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, बाई ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओके, ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे ने लिखी है द विकर ऑफ वेकफील्ड। इसमें एक कैरेक्टर है जो सिड्यूज होती है, ओलिविया नाम की एक कैरेक्टर है, और वो जब वापस आती है तब ऐसा कुछ गाना गाती हुई आती है, ये जो सॉन्ग की कुछ लाइन, ये सॉन्ग की ही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, वेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली, पीस इज अबाउट हर रूम अगेन अलोन, शी सूद हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड।
फिर खुद अपने रूम में अकेले अपने ही हाथों से अपने बालों को सूद कर रही है, सहला रही है, एंड पुट से रिकॉर्ड ऑन ग्रामोफोन, और एक ग्रामोफोन पे एक गाना लगा देती है, दिस म्यूज़िक रैप्ड बाय मी अपॉन द वाटर्स। और ये जो गाना है ये मैंने सुना है, मतलब वाटर्स मतलब रिवर्स के साइड में, तो ये जो म्यूज़िक है यहाँ पे, ये जो लाइन ली गई है ये टेम्पेस्ट से ली गई है जब एरियल गाना गाती है। तो फर्डिनेंड भी कुछ ऐसा ही जो म्यूज़िक को सुन के काम हो जाता है, क्योंकि उसका जो फादर है वो, उसको लगता है कि वो डेथ हो गई है उसकी, तो ये जो लाइन है ये वहाँ से ली गई है, टेम्पेस्ट से, एलियट ने टेम्पेस्ट से ली गई है। एंड अलोंग द स्ट्रैंड अ क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, और मैंने लाइन स्ट्रैंड मीन्स स्ट्रीट इन लंदन वहाँ पे भी सुनी है, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट में भी सुनी है, द प्लीजेंट मीनिंग ऑफ मेडोलिन, और मेडोलिन मतलब सारंगी, एक वो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप कह सकती हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भी सुनी है। एंड ए क्लैटर और ए चैटर फ्रॉम विद इन वेयर फिशरमैन लव एट नून वेयर द बोल्स ऑफ मैग्नस मार्ट्रेयर होल्ड, और मैंने ये क्लैटर चैटर क्लैटर खड़खड़ाहट और चैटर की आवाज़ जो फिशरमैन लॉन्ग का मतलब होता है, लॉज का मतलब होता है, लॉज एट नून मतलब जहाँ पे ठहरते हैं जो फिशरमैन हैं, जो दोपहर में ठहरते हैं, वहाँ की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, मैग्नस मार्ट्रेट होल्ड, मैग्नस मार्ट्रेट क्या है, एक सिटी चर्च है जो बहुत ही आप कह सकते हो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है, तो इन लुकिंग तो उसके जैसा लगता है। इन एक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन वाइट एंड गोल्ड, और उसकी जो वॉल्स हैं उसमें मतलब इन एक्सप्लिकेबल मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा वहाँ पे वाइट और गोल्ड का वर्क कर रखा है उस पर। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार, और जो रिवर है यहाँ पे थेम्स रिवर की बात हो रही है, तो वो स्वेट्स मतलब निकाल रही है, मतलब उसके अंदर से सिर्फ क्या बचा हुआ है, ऑयल एंड टार, मतलब वो पॉल्यूटेड है। द बार्ज ड्रिफ्ट, बार्ज मतलब नाव, नाव ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, विद द टर्निंग टाइड, और किसके साथ में, जो टाइड जो लहरें जा रही हैं उसके साथ में, रेड सेल्स, और उनके ऊपर जो शिप्स के ऊपर जो रेड ये होते हैं पर्दे से जो सेल्स उनको कहते हैं, जिनसे वो ड्रिफ्ट करती हैं, वाइड वो खुल चुके हैं क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर रही है, टू लीवार्ड विंग ऑन द हैवी स्पार, और वो जो पिलर्स हैं जो हैवी स्पार्स हैं वो उस दिशा में जो जा रही हैं, जो बार्ज है वो ड्रिफ्ट कर रही है हवा की दिशा में, द बार्ज इज वॉस ड्रिफ्टिंग लॉग्स, और जो लॉग्स और मतलब लॉग्स मतलब लकड़ियां पड़ी हुई हैं जो रिवर के अंदर में, वो भी वो अपने साथ में बहा के लेके जा रही है, कहाँ तक, डाउन ग्रीन विच रीच पास द आइल ऑफ डॉग्स, मतलब ये जो ग्रीनविच रिज और आइल ऑफ डॉग्स ये दोनों क्या हैं, एजिज ऑफ रिवर थेम्स हैं, मतलब दोनों किनारे हैं जैसे रिवर के, ये दोनों किनारे हैं, एक तो है ग्रीनविच रिज और दूसरा है आइल ऑफ डॉग्स, तो ये जो बार्ज है ये ड्रिफ्ट करती हुई उन लॉग्स को कहाँ पे लेके जाती है, इन दोनों किनारों तक, मतलब आगे साथ साथ में बहा के और इन दोनों किनारों पर लॉग्स को पहुँचा देती हैं, जो लकड़ियाँ हैं उनको जो रिवर के अंदर हैं उनको, और इन दोनों फ्रेंड्स इन बीचेस के नाम याद रखेंगे, ग्रीनविच रिज एंड आइल ऑफ डॉग्स। इन नेक्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू सी दैट इट्स दीज टू लाइन्स आर लेमेंटेशन, लेमेंटेशन ऑफ राइन मेडन्स, सो ये लेमेंटेशन है एलिजाबेथ एंड लेसेस्टर, लेसेस्टर जो है और एलिजाबेथ है, इनके शायद लव स्टोरी है, कुछ कोई स्टोरी है जो कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे लेस्टर है, इसका नाम है लॉर्ड रॉबर्ट डूडले, तो इसका नाम है, ये अर्ल ऑफ लेसेस्टर है, ये बीटिंग रोर्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो नाव के हैं वो रोर्स चला रहे हैं, द स्टर्न वॉज फॉर्म्ड
गिल्ड्रिल शेल रेड एंड गोल्ड, जो जो स्टर्न है, जो पिछला हिस्सा है, जो जहाज का जो पिछला हिस्सा है वो गिल्डेड शेल से बना हुआ है, जो रेड और गोल्ड कलर के हैं। द ब्रिस्क स्वेल, जो ब्रिस्क है वो स्वेल कर रही है। ब्रिस्क का मतलब लहरें, स्वेल करना मतलब जैसे लहरें उठती हैं ना पानी में, जैसे ये रिवर है इसकी इसमें लहरें उठ रही हैं, तो इट्स स्वेल, ऐसे लग रहा है जैसे ये सूज रही हो, मतलब स्वेल कर रही हूँ। रिपल्ड बोथ शोर्स, दोनों किनारों में इस तरीके से लहरें उठ रही हैं। साउथ वेस्ट विंड कैरी डाउन स्ट्रीम, जो साउथ वेस्ट विंड है वो स्ट्रीम को लेके जा रही है। द पील ऑफ बेल्स, जो बेल्स रिंग कर रही हैं टू वाइट टावर्स, कहाँ तक लेके जा रही हैं, जो साउथ विंड है वो स्ट्रीम्स को कहाँ तक लेके जा रही हैं, वाइट टावर्स तक, जहाँ पर बेल्स रिंग कर रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं। यहाँ पे जो वाइट टावर है ये काफ़ी अच्छी जगह पे जगह बता रखी है, यहाँ पे वाइट टावर्स को जो एक कोई एंसिलरी जगह है कोई जहाँ पे लंदन के अंदर में। और ये अगेन ये जो दो लाइन है ये लामेंटेशन है, यहाँ पे जो लामेंटेशन है वो शो किया हुआ है। और आगे है ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज, जो ट्रैम्स और डस्टी ट्रीज को यहाँ पे बताया हुआ है। हाइबरी बोन मी रिचमंड एंड क्यू अंडिड मी, ये जो हाइबरी है, रिचमंड है, क्यू है, दिस थ्री आर प्लेसेस, ये जगहों के नाम दिए हुए हैं कि हाइबरी ने तो मुझे पैदा किया, मतलब वहाँ पे मैं पैदा हुई, और रिचमंड और क्यू ने मुझे बर्बाद कर दिया। By Richmond रेज my knees, वहाँ पे मेरे वहाँ का जो सीन है उसमें knees उठे हुए हैं। Spine on the floor of a narrow canoe, एक पतली सी जो नाव है, कनू मतलब भी यहाँ पे नाव है, उसमें लेटी हुई हैं और knees ऊपर कर रखे हैं। मे भी यहाँ पे जो बात हो रही है वो एलिजाबेथ की हो रही है, प्रेजेंट टाइम में जो ओल्ड लेज एलिजाबेथ थी वो यहाँ पे इन्होंने टी एस एलियट ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। माई फीट आर एट मोरगेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट, और जो मेरे फीट हैं वो मोरगेट में हैं। ये एक एरिया है लंदन सिटी के अंदर, वहाँ पे बताया हुआ है, वहाँ पे एक कह सकते हैं सबवे स्टेशन है, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे जो फीट हैं वो मोरगेट पे हैं और मेरा हार्ट है हार्ट है वो फीट के नीचे है। फीट के नीचे मतलब क्रश हो चुका है, मतलब काफ़ी दुखी हूँ मैं। आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट, कि मतलब जो इवेंट हुआ है उसके बाद में वो रोया, मतलब मे भी यहाँ पे जो बात हो रही है वो लिसिस्टर की हो रही है, कि लिसिस्टर रोया, कि उनमें भी क्या पता कि यहाँ पे जो राइटर है वो ये कहना चाहता हो एलिजाबेथ और लिसिस्टर के बीच में ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप हुआ होगा जैसा कि टाइपिस्ट गर्ल और उस क्लर्क में हुआ था। तो उसके बाद में वो रोया। ही प्रोमिस्ड ए न्यू स्टार्ट, उसने प्रोमिस किया एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, मतलब फिर से शुरुआत करने के लिए। आई मेड नो कमेंट, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वॉट शुड आई रिसेंट, मैं कहती भी क्या, मैं क्या गिला सिखवा करती। सो इट इज़ अबाउट अवर लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम, सॉरी सेक्शन, दैट इज द फायर शर्मन ऑन मार्गेट सैंड्स। दिस इज ए मार्गेट सैंड्स का मतलब एक सी साइड रिजॉर्ट है, वहाँ की बात हो रही है। मार्गेट सैंड्स, आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, मैं किसी भी चीज़ को किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर सकती थी, मतलब आई एम टोटली मतलब अनहैप्पी। The broken fingernails of dirty hands. The broken fingernails का मतलब है कि जो broken images है, broken fingers का मतलब broken thoughts हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं। My people, humble people who accept nothing, la la, to Carthage then I came. और जो मेरे humble people हैं वो who एक्सपेक्ट नथिंग, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। टू कार्थेज देन आई केम का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये जो लाइन ली गई है यहाँ पे कन्फेशन से ली गई है, कन्फेशन ऑफ सेंट
एंगस्टन से ली गई है। तो ये जो कन्फेशन ऑफ सेंट एंगस्टन से ली गई जो लाइन है, द टू कार्थेज देन आई केम, तो यहाँ पे बर्निंग 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 फोर टाइम बर्निंग, कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ये जो कन्फेशन है ये किस बारे में है, कि जो अभी बर्निंग 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 कि मतलब जल रहा है सब कुछ, क्या जल रहा है, कि यहाँ पे ही हमें ये पता चलता है कि इस सेक्शन का नाम फायर सरमन क्यों रखा गया है, ये फायर सरमन क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि वो अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि सब कुछ एवरीथिंग इज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा है, कैसे जो लोग हैं वो जल रहे हैं, यहाँ पे किसकी वजह से जल रहे हैं, हेटर्ड, फायर ऑफ हेटर्ड, फायर ऑफ पैशन, फायर ऑफ इन्फेचुएशन, फायर ऑफ एनवी, यहाँ पे लोग मतलब जो ट्रू फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है लाइफ में, सिर्फ बर्निंग बचा हुआ है, मतलब सब एक दूसरे से जल रहे हैं, हेटर्ड बचा हुआ है संसार में। ओ लॉर्ड दो प्लकेस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड दो प्लकेस्ट बर्निंग, कि मैं जल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मतलब लॉर्ड बुद्धा की जो जो था सरमन था फायर सरमन, उसे डायरेक्टली वो क्रिश्चियनिटी की बात करने लगे हैं कि मुझे ओ लॉर्ड मुझे उठा लो, प्लग कर लो यहाँ से, मैं ओ लॉर्ड दो प्लकेस्ट मैं बर्न हो रहा हूँ, कि मतलब यहाँ पे जो है लास्ट में इन दोनों चीज़ों को ईस्ट और वेस्ट को साथ में बताया।